आज हम बात करेंगे चिकमंगलूर की। वैसे तो साउथ इंडिया में आपने ये सुना होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ऊटी है और कुर्ग, और ये दोनों काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर हुई है। लेकिन चिकमंगलूर के नाम को काफ़ी कम लोग जानते हैं। वैसे अब ये कॉमर्शलाइज हो गया है, लेकिन पहले इसे लोग कम जानते थे। और इसकी अपनी एक विशेषता है इस जगह की, क्योंकि इंडिया में पहली बार जो कॉफ़ी उगाई गई थी वो चिकमंगलूर में उगाई गई थी। और ये बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। आप बारिश के बाद, लाइक सितंबर अक्टूबर के बाद कभी भी प्लान कर सकते हैं, टिल मार्च और टिल अप्रैल। और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर आपको काफ़ी तरह के मसाले, कॉफ़ी, चाय, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर चिकमंगलूर में। और अगर आपको यहाँ पे आना हो, तो अगर आप किसी और पार्ट से इंडिया के आ रहे हो, तो अगर आप मैंगलोर, आपको पहले आना पड़ेगा मैंगलोर में एयरपोर्ट सबसे पास का, या फिर आप बैंगलोर आइए। और बैंगलोर से अराउंड 5 to 6 आवर्स की यहाँ पर ड्राइव है। और वैसे आप मैंगलोर आके वहाँ से भी इधर आ सकते हैं, तो मैंगलोर से भी आपको लगभग 5 से 6 घंटे यहाँ पर आने में लगेंगे। तो और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है। यहाँ पे तरह तरह के आपको वाटरफॉल मिलेंगे, लगभग 12 से 13 तरह के वाटरफॉल। बट यहाँ का सबसे अच्छा वाटरफॉल हैब्बे वाटरफॉल है। और उसके अलावा आप बाबा मुल्लन गिरी, बाबा बोलियन गिरी, इन सब जगहों को घूमिए। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हो तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ हेयर, तो वो भी आप घूम सकते हो। तो काफ़ी सुंदर जगह है ये। और यहाँ अगर आपको इसके आसपास और भी जगह घूमनी है, तो इसके पास हसन है घूमने के लिए, और मैंगलोर है, उडुपी है, लॉट ऑफ प्लेसेस आते हैं, तो एक बार ज़रूर घूमिए। ये मैंने लॉकडाउन में सारा, मैं यहाँ 3 या 4 बार गया हूँ, तो सारी यादें मैंने एक साथ इकट्ठा की हैं चिकमंगलूर के बारे में। तो नमस्कार।